बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जाकी गांठी नाम है, जाकी पूंजी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्ट सिद्ध नौ निध। भावार्थ, जिसके पास नाम की ताकत है उसके पास समस्त सिद्धियां आती है। रिद्ध सिद्ध पानी भरे, हाँ क्या होता है, ये दासी बनकर हाजिर होती है। अब यहां साहब क्या करें, जाकी गांठी पूंजी नाम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्ट सिद्ध नौ निध। समस्त सिद्धियां वो सोचते हैं इनके पास हम जाएं, क्योंकि ये इनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो अध्यात्म शक्तियों का दुरुपयोग करता है किसी के नुकसान के लिए, वो राक्षस बन जाता है। उन आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग दूसरे के उपकार और भले के लिए किया जाना चाहिए। ये स्वती अंदर में आएगी। आपने अनुभव किया होगा कई बार, जब आपका कोई जटिल काम नहीं बन रहा है तो एक ताकत आकर उसको सरल कर देती है, संसाधन मिलेंगे। मैंने ऐसे अनंत करिश्मे अपने जीवन में देखे हैं। एक बार थोड़े से तिल थे मेरे पास, सर्दी में तिल लेना चाहिए, मकर संक्रांति को तिल और मूली का प्रयोग होता है, खिचड़ी का। तो मैंने लड्डू बनाए तिल और गुड़ के, तो बांट दिए, लेकिन लोग ज्यादा थे, कुछ को नहीं मिल पाए। मैं सोचा ये भी एक आश रख के आए थे, इनको भी मिले। मैंने पूछा स्टोर में तिल है, बोला नहीं है। 5 मिनट बाद गांव से ही एक माता आई, अपनी चुन्नी में तिल लाई। मैंने फिर वो बनाने शुरू किए, लड्डू फिर बना दिए जल्दी। अब आश्रम में स्टाफ भी 200 से ज्यादा है। जब कुछ लोगों को पता चलता है कि गुरुजी अपने हाथ से कुछ दे रहे हैं, बना रहे हैं, भीड़ जुट जाती है। फिर कम पड़ गए। अब थाली में बांट रहे थे जैसे लड्डू, कम पड़ गए। इतने में क्या हुआ, गांव से 10-12 माताएं तिल्ली तिल्ले आई। मैंने सबको वो लड्डू खिलाए। तब मैंने उन माताओं से पूछा, क्या आपको किसी ने यह बताया कि आश्रम में तिलों की जरूरत है, बोला नहीं। फिर इसी समय आज ही क्यों ये तिल लाए, बोला बस इच्छा हुई। यही सिद्धियां होती है। यहां कह रहे हैं, जो इच्छा किया ही माही, साहेब कृपा कुछ दुर्लभ नाही, कर जोड़े ठाड़ी रहे, अष्ट सिद्ध नौ निध। आपने भी नामदान की प्राप्ति के बाद अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जिन जिन पदार्थों की आप आकांक्षा करते हैं, चाह करते हैं, किसी न किसी सूत्र से, किसी न किसी जरिए से आपके पास आ जाती है। ऐसा नहीं आपका भरोसा कोई उधार का है। आपके पास नाम के बाद काफी अनुभूतियां हैं, पर महासिद्धियां भी चरण धोती हैं, परम सिद्धि। सिद्धियों में तो आदमी छोटे से काम कर लेता है, किसी की संतान नहीं है, वो कल्प शक्ति से इच्छा कर लेता है, कुछ चीजें ऐसी होती है। पर मेरे विचार से ये न किया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। आर्मी में एक बार्बर था, हरियाणा का था, रामपल उसका नाम था। एक वो क्या करता था, ये 1971 की बात है,
वो मैं सिपाही था, वो क्या करता था चुपके से मेरा पूरा काम कर देता था, बूट पॉलिश कर देना। मैं सोचता था बूट तो मैंने पॉलिश नहीं किया, ये कौन किया, बाकी चीजें ठीक ठाक कर देना। एक दिन मैं देख लिया कि ये रामफल कर रहा है, उसने काफी इस तरह से कार्य किया। बाद में वो मुझे एक बात कहा, देखिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, बोला गुरुजी मुझे शादी किए इतना इतना टाइम हुआ, बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं इसका दुख कम है, पर लोग ताना मारते हैं, मेरी बीबी को बांझ कहते हैं, मुझे ताना मारते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं, गुरुजी कृपा करो, मुझे बटालियन में भी महाराज ही बोलते थे, एक बेटा हो जाए। उसके सेवा भाव से मैं द्रवित हुआ, मैं बोल दिया अच्छा जाओ तुम्हें एक बेटा होगा, अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं। शाम को गुरुदेव मेरे पास आए, ध्यान में आए, बोला ये तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। उसकी पत्नी में गर्भाशय ही नहीं है, गर्भाशय जहां बच्चा रुकता है, गर्भद्वार यूट्रस को कहते हैं, जहां बालक पनपता है। बोला अब तुमने बोला, अब पूरा सिस्टम सेटिंग करना पड़ेगा। उस दिन के बाद मैंने कान पकड़ा, कभी किसी को शब्द नहीं दूंगा, अपने इष्ट को तकलीफ दी, हां यूं कहता हूं श्रद्धा रखना, भाव रखना। तो कहने का मतलब है पूरब से पश्चिम है गंगा, संत वचन ना होत अभंगा। भक्तों में भी ये ताकत आ जाती है, आप जो चीजें करते हैं ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा जरिया बन जाता है, वो चीज हो जाती है, ये है सिद्धियां। तो बंधु लेकिन धर्मराज जी साहब से प्रार्थना कर रहे हैं बड़ी अच्छी, चाहना नहीं उससे कुछ, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा, सो ही कीजिए कृपा निधाना, हे प्रभु वही करना, जासे होए परम कल्याणा, जिससे परम कल्याण। और साहब एक शब्द बड़ा प्यारा बोल रहे हैं, अपनी अपनी गर्ज को, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको, है मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी हो, सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे हो परम कल्याणा, न जाने मैं कुछ ऐसी चीज मांग बैठूं जो आगे चलकर मेरे लिए हानिकारक हो। क्या साहब बात कर रहे हैं, अपनी अपनी गर्ज को, अपनी अपनी गर्ज के लिए अर्ज करे सबको, है सब अर्ज करते हैं, मेरी अर्जी है यही, अर्जी प्रार्थना को कहते, तेरी मर्जी हो। और भाणे में रहने के लिए नानक देव जी भी कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, बस जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। नानक देव जी फरमा रहे हैं तेरा भाणा मीठा लगे। तो आगे और महासिद्धियों में इंसान ऋतुओं को बदल सकता है, गर्मी में सर्दी कर सकता है। उदाहरण देता हूं, एक बार रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र सत्यवान थे, वन विहार के लिए निकले थे, इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि वो बिहुल हो गए। उनके सारथी ने आकाश की ओर ध्यान करके प्रार्थना की
कि हे प्रकृति, रघुवंश के महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र इस गर्मी से व्यथित है, इसलिए वातावरण शीतल करो। ये बड़े योद्ध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई तरह से और प्रार्थनाएं की, कुछ नहीं हुआ। बाद में कहा ये महान परमार्थी दूसरों का हित करने वाले हैं, इसलिए है प्रकृति इनके लिए वातावरण शांत। उसी समय बादल आए और शांत वातावरण बन गया। इसलिए चरित्रवान और परमार्थी लोग धन्य है। ये सिद्धियां कभी भी किसी के अनहित के लिए प्रयोग नहीं की जाए। भाई रे, बहुत बहुत क्या कहिए। अब धर्मदास जी साहब से क्या करें, भक्ति दान गुरु दीजिए। हे गुरुदेव, मुझे भक्ति दान देना। करहूं पद सेवा, चरणों की सेवा। भक्ति का दान गुरु दीजिए। गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करहूं पद सेवा। बस अपनी सेवा देना, मांग क्या रहे देखे सो सेवा। बस साहिबा, तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा। मनसा वाचा कर्मना, मेरे और न दूजा। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आज तुम्हारी। वो कह रहे हैं मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ तुम, मैं तुम्हें चाहता हूं। अष्ट सिद्धि नव निध, आठ सिद्धियां और नौ निधियां वो ने। वैकुंठ के वासा, सो मैं कछु न चाहिए, मेरे अविनाशी, मुझे इसमें से किसी की जरूरत नहीं है, न सांसारिक सुख चाहिए। एक बार दो बड़े योद्धा थे, उन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत विशेष काम किया शत्रुओं से युद्ध में। राजा उनके इस कार्य से प्रसन्न हुआ, पहले योद्धा से कहा मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा महाराज, मुझे एक जिले का राज्य, 10,000 घोड़े सवार सैनिक और इतनी लाख मोहरे बादशाह ने दे दी, सम्राट था। दूसरे से कहा तुम क्या चाहते हो, मांगो। उसने कहा बस अपनी कृपा रखना। सम्राट ने कहा हे वीर, तूने तो मुझे ही ले लिया, इसलिए प्रभु से न शक्ति मांगना न कुछ मांगना, उसके भाणे में रहना। ये परमार्थी को अपनी जिंदगी में लाया, जे तू राज देवे तेरी वडियाई, जे तू राज देवे तेरी वडियाई, जे भीख मंगाए तो की घट जाए तेरी वडियाई, जे भीख मंगाए तो की घट जाए। तो इस तरह साहब क्या कह रहे हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, बड़े दोस्त हमारा। सच में ये फिलॉसफी, ये आइडियोलॉजी समझाना बहुत मुश्किल है। आप समझ चुके हैं इस भक्ति में क्या क्या प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए पसीना निकल आता होगा। तो साहब क्या कह रहे हैं, भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, वड़ला दोस्त हमारा। अरे कोई कोई हमारा दोस्त, गड़न भंजन सवारन बापे, राम रशेत्यो रही है। वाह, जावित राखे साइया तावित रही है। आसम आसन पवन योग श्रुति स्मृति, ज्योतिष पढ़ बोराना। बोराने का मतलब पागल हो गई दुनिया। छह दर्शन पाखंड छानबे, ये कल काहू ने जाना। कल कहते हैं तरीका, कला, ये बोला कोई नहीं जाना है। आलम दुनी सकल फिरायो, आलम संसार को कहते हैं। ये कल जियो ना आना, कह रहे हैं ये सब मैं घूम करके आया,
पर खरदर्शन आदि इनमें ये कल अद्वितीय आत्म तत्व को किसी ने नहीं जाना। ये कह रहे किसी ने नहीं जाना आत्म तत्व को। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी ब्राह्मण और दरवेश आदि भेषधारी खरदर्शन, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी ब्राह्मण और दरवेश, ये छी खरदर्शन बोला ये कल उन्होंने जाना। फिर बाकी कौन बचा? तजी कर गह जगत उचावे, मन में मन न समाना। अपने को वो समझ नहीं पाए, कहे कभी जोगी और जंगम फीकी इनकी आशा, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जो संसार का सुख ढूंढता है वो ईश्वर को नहीं पा सकता है। कहे कभी सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, सत्य नाम रज्जो चात्रक निश्चय भक्ति निवासावा। चातक बहुत दृढ़ संकल्पी है, वो नहीं देखता है, वो पीता ही केवल स्वांति का जल है। स्वांति का जल क्यों पीता है? केवल स्वांति का जल निर्मल है, स्वच्छ है। जैसे जल गिरकर भूमि की तरफ आता है, रास्ते में ही 400-500 मीटर ऊपर ही से दूषित होना शुरू हो जाता है। क्यों? अगर आप शाम के समय सूर्य ढलते समय खिड़की के किसी सुराख से जहां से रोशनी आ रही है सूर्य की, देखना तमाम धूल के कण उड़ते हैं, आपको मूवमेंट करते हुए मिलेंगे, वो पानी में मिल जाते हैं। इसलिए सीपी भी केवल स्वांति का जल ग्रहण करती है। बड़ी टेक्निकल चीज है। कहते हैं अगर गाय का दूध, कोई भी दूध, डायरेक्ट मां के थन से स्तन से लिया गया, उसकी ताकत 10 गुना ज्यादा होती है। जैसे बाहर हवा लगी उसका काफी ताकत चली जाती है। इसलिए बछड़ा भी डायरेक्ट ले रहा है और बच्चा भी मां के पयोदर से दूध डायरेक्ट लेता है। इस तरह वो ये चात्रक जैसे होता है, वो और जल को ग्रहण नहीं करता है, बस एक खुशी एक आश नाम की तरफ हो। यहां साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथा है, कहो तो को पते आई। हाँ अद्भुत अनुपम है, कहो तो कौन पते विश्वास करेगा। जहन जहन देखो तह तह सोई, सब घट रहल समाई। हाँ कितनी बड़ी बात है, सब घट व्यापक साइया सुनी सेज न कोई। अब साहब कह रहे हैं ये अच्छे अचरज कौन समझेगा। लक्ष्य बिन सुख दलित बिन दुख है, नींद बिना सुख सोवे, जल बिन जूत रूप बिन आशिक, ऐसे रतन बहु ना रोवे। वाह, कह रहे रूप नहीं है फिर भी आशिकी है, और ज्योति नहीं है फिर भी प्रकाश है। ब्रह्म बिन गंजन मन बिन रख, रूप बिना बहुरूप। अखे बाजो पेखड़ा, कह रहे रूप बिना बहुरूपा। अरे याविद सब है अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विद्रणी। रूप बिना बहुरूपा, तिथि बिन सुरत रहस्य बिन आनंद, ऐसो चरित्र अनुपा।
बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, सब अनुपम है, यह विद सब है अलौकिक करणी, महिमा जाए कवन विद वाणी। पर हरि लाखों लोग कुटुंब सब भजो न सारंग पानी। आप जिन जिन चीजों को अपना आनंद का स्रोत माने वो सब बंधन के हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, रुई लपेटी आ गए, कह रहे ये तो रुई लपेटी आ गए। भाई रे नैन रसिक जो जोगे जागे, पार ब्रह्म अविगत अविनाशी, कैसे कर्मन लागे। अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतौ संतोष न पाए। अमली आदमी को अमल के बिना संतोष नहीं मिलता है। मेरे पास थोड़ा समय पहले पंजाब से एक दंपति आई, उनका एक बेटा था, बड़ा सुंदर स्वस्थ। मुझे कहने लगे गुरुजी कृपा करो, ये बच्चा एक अमल करता है, कोकिन का इस्तेमाल करता। बोला गुरुजी अब इसको इतनी लत हो गई है कि ये अब सोता ही रहता है दिन भर। मैंने उस लड़का बड़ा प्यारा, बड़ा ईमानदार सच्चा लड़का था, बुरी संगत में पड़कर उसको लत पड़ गई। आप एक ही लत डालो ना अपने अंदर स्मरण की, बस फिर उसका मजा देखो। आदमी गंदी गंदी चीजों की, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। मैंने उस लड़के को कहा, इतना ईमानदार लड़का, इतना सच्चा, बड़ा सुंदर स्मार्ट लड़का था, मैंने कहा भाई नशे से तुम्हें नुकसान हुआ? बोला बहुत गुरुजी, मैं इस नशे के अधीन आ चुका हूं। बस इसी तरह इंसान माया की लत में फंसा है, पता भी है, अधीन हो गया। बोला गुरुजी अगर नहीं खाता हूं ना, बहुत तकलीफ होती है मुझे, माँ बाप को अलग दुख है, मुझे अलग दुख है, मेरा शरीर बर्बाद हो चुका है, मैं उठकर चलना भी नहीं चाहता हूं। मैंने कहा क्या नशा करते हो? उसने एक प्लास्टिक की पन्नी निकाली, उसमें छोटे छोटे दाने गेहूं रंग के थे। लड़का बड़े संभ्रांत परिवार का था, मैं कहा ये कितने का है? बोला 500 का। इतना सा दाने दाने, मसूर के जैसे, सरसों के छोटे दाने ऐसा। मैं बोला ये क्या करते हो, कैसे सेवन करते हो? बोला इसको पहले घोल देता हूं पानी में, इंजेक्शन में भरता हूं, फिर अपने को खुद दबाता। क्या होता है? बोला एक नशा दिमाग पर पहुंचता है। अब वो बच्चे को क्या समस्या आई? भैया ये नशा नहीं करना, बुरी संगत में उसे ये नशा किसी ने सिखाया? तभी तो साहब कह रहे हैं अमल परारत जग के जेते, अभद अभक्ष जानकर तरजीते थे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कहा एक बात सुनो, नशा खुद नहीं हो रहा है, जरूर आपका सहयोग है, आप ही तो इंजेक्शन में भर रहे हैं ना, नहीं करो। वो मैंने पन्नी ले ली, उससे मैं नहीं रखी, क्योंकि ये तो फिर ड्रग्स रखना, नशे के पदार्थ एक वो है, मैंने उसी से मैं बर्बाद कर दी। समझाया, वो चले गए। परसों उसके माँ बाप मेरे पास आए, फिर 3 महीने बाद अमृतसर से, पंजाब के थे। उन्होंने मुझे कहा गुरुजी लड़का खुद जाकर नशाबंदी केंद्र में भर्ती हो गया। आप सोचो वो लड़का कितना व्यथित है, जगत के पदार्थों का अमल हो गया, मोह माया हो गया, वो छूटता नहीं है,
तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चैतन्य ग्रंथ पढ़ गई यद्य मिथ्या छूटत कठिन ही, हालांकि झूठी कठान है नहीं छूट। बच्चा जान रहा है ये बहुत हानिकारक है, मेरे शरीर का सत्यानाश कर दिया, मैं उठने चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, बस ब्रेन इतने सुप्त अवस्था में पहुंच चुका है, सोए ही रहना, उठने की चाहता हूँ तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती है। इस तरह से ये जीव आत्मा भी बहुत बुरी तरह अमल में है। इसलिए साहब कह रहे हैं नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंग, बस ये वो कुमारी है नाम की जो सबसे बड़ा आपको जगत ही बुला देगी, नाम की कुमारी। पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी कैसे के मन लागी, वाह कह रहे भैया उधर जल्दी मन लगता नहीं है, अगर लग गया फिर छूटत नहीं। काम क्रोध दोनों मत वाले माया भर भर प्यावे, वह माया काम क्रोध लो मोह आदि को ये प्याले पिला रही है। ब्रह्म कुलाल श्राय इन भाटी ले इंद्री रस चाहे, और ये समस्त इंद्रियां बहरी है। पांच सखी पीहू पीहू करते हैं ये पांचों इंद्रियां, बड़ी स्वार्थी है। कर्म करावे आप कष्ट दे अपने जीव को, साहब ने ऐसी बारीक बातें बोली है। जितने शुभ अशुभ कर्म मनुष्य करता है कराता है मन, और कष्ट आत्मा को भोगना पड़ता है। जितने भी काम इंसान कर रहा है केवल इस नाशवान शरीर के लिए कर रहा है, या तन का कुछ गर्व न कीजिए जरबर होती शाला। संकट सोच पोच ही है कलि में बहुविध व्याध शरीरा, देखो साहब क्या कह रहे हैं, इस कलयुग में बहुत बड़े दुख है। अरे तन घर दुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया, बहुत व्याध शरीरा कितनी बीमारियां। मैंने इस 18 अप्रैल को 72वां जन्मदिन मनाया। मेरा गांव बड़ा संभ्रांत गांव था, बहुत सुंदर गांव था, उसमें सिर्फ एक आदमी को शुगर थी, बस एक आदमी को, सत्य बता रहा हूँ, 4,000 लोगों में सिर्फ एक आदमी को अस्थमा थी, टीबी थी, जबकि उस समय मेडिकल साइंस पीक पर भी नहीं थी, लेकिन लोग स्वस्थ थे। आज देखिए काम क्या क्या नशे मनुष्य कर रहा है, ये मनुष्य क्या क्या प्रवृत्तियां अपना रहा है। माताएं मैंने छोटे बच्चों को ले आती हैं जिनसे वो बड़ा प्यार करती है, और विविध बीमारियां इस छोटी उम्र में लगती है खान पान की अशुद्धि के कारण। इस प्रकार ये पांच सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, शरीर में बहुत रोग आ गए। जहां धीर गंभीर अति निश्चलता है उठ मिले कबीरा, इस तरह मेरे भाइयों जो सुख पाया नाम भजन में सोने ला अमीरी में, उसकी तरफ कम जाओ। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथा है कहो तो कोपति आई। इंसान जब किसी से प्रेम करता है, प्रेम किया लेकिन किसके नाल लगावा दोस्ती, ये जब चलन हारा तो या तो उसकी नाक देखते हैं, या तो उसके मुख को देखते हैं, या तो होंठों को देखते हैं, या अवयवों को देखते हैं, या स्ट्रक्चर को देखता है, फिर कहता है तू ही तू भैया तेरे सिवा कुछ नहीं। कुछ बोराए हुए फिर आत्महत्या कर लेते, वो एक भौतिक चीज में आसक्त हुआ जिसका अस्तित्व तो कुछ नहीं। यही तो गोस्वामी जी, यही ज्ञान प्राप्त हुआ था एक ही शब्द से, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ससुराल चली गई तो गोस्वामी जी वहां भी पहुंच गए थे जाकर, अंधेरी रात में बरसात के बीच वहां जब पहुंचे दूसरे द्वार से दरवाजा खटखटाया, एक मुर्दे पर बैठकर गंगा जी में गए थे, मुर्दा डूबता नहीं है। पत्नी ने कहा
स्त्री रात को दरवाजा घर का नहीं खोलती है, पति की आवाज सुनकर दरवाजा खोला, बोला हे स्वामी कैसे आए? बोला वो भोला इस भीषण बरसात की अंधेरी रात में। वाह। बोला वो उस लकड़ी पर बैठ के आया, जब पत्नी ने रोशनी की तो वो मुर्दा था। वाह। अब ऊपर चढ़े, बोला हे स्वामी मेरे इस रजबीरज के तन से जितना आपको प्रेम है, अगर परमात्मा से प्रेम होता तो आप कहाँ पहुंच जाते? बस वहीं पर ही बात लग गई गोस्वामी जी को। शिव संकल्प किया मन माही, यह तन भेंट सती अब नाही। बोला जाओ आज से तुम मेरी माता हो गई, अब इस शरीर से भेंट नहीं होगी। गोस्वामी जी संन्यास ले लिए और संस संगति में उसने तत्व की प्राप्ति की। इस तरह वो भ्रमण करने लगे, फिर नाना जगहों पर प्रभु की चर्चा करने लगे। एक बार वो भ्रमण करते करते अपने गांव से 2-3 कोस 4 कोस दूरी एक और जगह पर पहुंचे तो उनका काफी नाम भी हो गया, सेलिब्रिटी थी बड़ी। तो उनकी पत्नी को भी पता चला कि हमारे पति देव संन्यास ले चुके हैं, कहीं सत्संग के लिए आ रहे हैं। वो भी पहुंची, उन्होंने स्त्री में सेवा भाव तो असीम है ही है, अनुपम है, समर्पण भी उसमें बहुत है। कहा हे स्वामी घर चलो। बोला नहीं कोई घर नहीं, मैं सन्यासी हूं। बोला कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए भोजन बनाऊं। उसने कहा मैं नारी की आजकल नहीं खाता। बोला कोई बात नहीं, मैं राशन सीधा लाती हूं। उसने बोला वो मैं साथ में लिए हुए रहता हूं। बोला ठीक है, मिर्च मसाला वगैरह लाती हूँ। बोला वो भी संग में है। बोला सिलबट्टा आदि लाती हूँ। बोला वो भी रखा हूँ। बोला लोटा डोरी आगे, पुराने जमाने में लोग लोटा डोरी है जो वो रखते थे कुएं से पानी पीने के लिए। बोला वो भी मेरे पास है, तवा आदि। बोला सब लिए हूँ। अरे पत्नी ने कहा निर्बसी है, फिर छोड़ा क्या है, पूरी गृहस्थी तो तू ढो करके घूम रहा है, तूने मुझे ही छोड़ा। मैं तुम्हारे सीने पर बैठ करके मूंग नहीं दल रही थी, मुझे कहना था हम दोनों घर में बैठ करके भजन करते थे। गोस्वामी जी ने कहा हे देवी तूने एक ज्ञान पहले दिया, आज तूने बहुत बड़ा ज्ञान दिया। गोस्वामी जी ने वो पूरा सामान फेंक दिया निकल पर। साहब भी कह रहे हैं 4 पेड़ 1 बाछी, साधु के गले की फांसी। कबीर साहब ने कोई आश्रम नहीं बनाया, वो रमता संत थे, झंझट ही नहीं लिया उन्होंने। अब आप सुनो, वो झंझट नहीं लिए, 4 पेड़ 1 बांछी, साधु के गले की फांसी। लेकिन रमता संत से वो अच्छे होते हैं, झंझट में नहीं आते, लेकिन एक हानि है, उनका दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन जो मठाधीश संत है, आश्रम सृजित करते हैं, उसमें एक लाभ है, वो समय समय पर भंडारों का आयोजन करते हैं, लोग उनसे उनके दर्शन कर पाते हैं, आकर रुकते हैं। तो मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, इसमें बहुत बड़ा उलझाव आ जाता है।
मेरे गुरुदेव ने एक ही आश्रम बनाया था। उस आश्रम में गोंडा में विवाद हुआ, कुछ अराजक तत्व उसमें दखलअंदाजी करने लगे। गुरुदेव ने कहा यार मधु चलो यहाँ से कहीं और जगह हम आश्रम बनाएंगे। वो पहाड़ पर आ गए। मैंने कहा गुरुदेव हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, हमें यहाँ रुकना है। फिर मैंने वो संस्था रजिस्टर्ड करा दी। गुरुदेव नहीं गए कहीं भी, वो कह रहे थे जो साहब की इच्छा। अभी मैंने 220 आश्रम बनाए। क्या जरूरत पड़ी थी मुझे? मैं बंबई जाता था, भाटिया मेरे साल में मैं सत्संग करता था। क्यों बनाए बताता हूं। तो करीब उस जमाने में आज से 15 साल पहले 50,000 रुपये खर्चा आता था। तो बेचारे मेरे सत्संगी आपस में चंदा करके वो खर्चा वहन करते थे। आखिर में उन्होंने मुझे कहा गुरुजी यहाँ थोड़ी सी जमीन खरीद करके आश्रम बनाओ, अपना स्थान होगा तो लोग बढ़ेंगे। अजी 2-4 एकड़ जमीन वहाँ खरीदी करोड़ों रुपए में, पहले बहुत पहले। अब कहीं पड़ोसी विवाद करता है, कहीं कहता है मेरा भाई है, 70 मुकदमे हैं। इस तरह मैं भोपाल में भी गुरमीत सिंह के घर में सत्संग करता था, नक्षत्र सिंह के घर। लाभ एक हुआ, वहां 100-150 आदमी 20 साल में हो पाए। जब मैंने भोपाल में आश्रम बनाया हजारों आदमी हो गए। जब मैं भाटिया हॉल में सत्संग करता था तो इन्हें गिने लोग आते थे, क्योंकि रुकने की व्यवस्था नहीं थी। अब मैंने आश्रम बनाया हजारों लोग आ जाते हैं। इसी प्रकार में लुधियाना में यूनाइटेड साइकिल के हाल में सत्संग करता था, वो भी पैसे लेते थे। फिर लोगों ने कहा जमीन खरीदो, वहां फिर 2 एकड़ जमीन खरीद। यही मैं अमृतसर में गया सिप्टी हॉल में सत्संग करता था। कहने का मतलब है सुविधा तो मिली, दूसरा पक्ष यह है वो संपत्ति देकर लोग नाना प्रकार का छदम वृत्ति अपनाते हैं, कष्ट देते हैं और कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं तो ये ट्रेंड है महात्माओं के आश्रम को कब्जा कर लो, वो गुंडे बदमाश भी पीछे लगते हैं भव्य संपत्ति देखकर। मैं आपको रांझड़ी का उदाहरण देता हूं। मैं शिवदास भगत के घर सत्संग करता था, वहां धीरे धीरे लोग बढ़े। अब वो ग्रस्त हैं, 4-5-6 बच्चे हैं उसके, थोड़ा परेशान होने लगा। उस बेचारे ने मुझे थोड़ी जमीन दे दी दान में, यही मैं कुल्ली बनाया, आज भी वहीं रहता हूं। लेकिन ज्यादा लोग बढ़ने लगे, फिर मैं कुछ जमीनें खरीदी, किसी की जमीन मैंने छीनी नहीं है, पाप मंद। अब धीरे 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 काफी प्रसिद्धि हुई आश्रम की लोगों द्वारा भी। फिर कहीं उन्होंने कहा गुरुजी चलो हम जमीन देते हैं, कहीं खरीदी इस तरह, कहीं डोडा, कहीं किश्तवाड़, पूरे जम्मू में 100 आश्रम बने, पूरे देश में हर राजधानी में आश्रम बना। ऐसे लखनऊ में सामुदायिक भवन में मैं सत्संग करता था, वहां बड़ी बंदिशें थी, फिर अपना आश्रम बना दिया, 220 आश्रम हो गए। कहने का ये भाव है, अब रांझड़ी में अभी भी मैं विशाल भवन बना रहा हूं। अब विदेशों में भी हम रजिस्टर्ड हैं, हमारी संस्था धार्मिक संस्था अमेरिका में, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में, ब्रिटेन में। तो लोग बाहर से भी आने लगे, उनके रहने की व्यवस्था अलग है, खाने पीने की अलग है। तो विस्तार होता गया होता गया। अब मैं लगा रहता हूँ इसी कार्य को बनाने में कि जो बाहर से आए, वो बेचारे बाहर से जो लोग आते थे होटल बुक करते थे जम्मू में, फिर वो किराए की कार करते थे, यहाँ आए फिर वहाँ चले जाते थे। इस तरह फिर मैंने कहा इनको सुविधा दें। धीरे 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 विशाल आश्रम बन गया, अभी भी जगहें कम पड़ रही है। वर्तमान में करीब 1 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था है, तभी भी स्थान कम पड़ जाते हैं। तो दोनों पक्ष देखते हैं इस तरह से, 4 पेड़ 1 बाछी, साधु के गले की फांसी। तो साहब रमता हुए थे, दोनों तरह के महापुरुष हुए। तो बंधुओं मैं ये कह रहा हूँ जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं रखना है, ये सब माया भी चीज़ें, चिंता सिर्फ एक नाम की रखना है। कहीं भी अपना ध्यान और जाने नहीं पाए। इसके अलावा कहीं ध्यान गया
तो ये माना है। अब यहाँ पर उनके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, शौचालय की व्यवस्था, 150 तो लेटरिन बना दिए। एक माता बहन बोल रही थी, गुरुजी और थोड़ा बाथरूम बनाओ, कपड़े लेकर आधे घंटे खड़ा होना पड़ता है स्नान करने के लिए, वो माई जो अंदर घुसी निकलती नहीं है, थक जाते हैं, हमारे बच्चे भी हैं। 100-150 बाथरूम बना दिए, 100-150 लेटरिन बना दिए, पुरुषों के अलग माताओं के अलग, उसके डिस्पोजल की व्यवस्था करना, वो यानी घर एक होता है, दो बच्चे और परिवार, तो उसके लिए आदमी परेशान होता है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। पर मैं परेशान नहीं होता हूँ, अभी भी जब मैं यहाँ से आया तो कुछ काम करके यहाँ आया। तो बंधु, कहने का भाव है बस आप सुमरण की तरफ अपना ध्यान रखना, वही सार है। पर मैं मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी लगता है आप भी माया में फंस गए। मैंने कहा कैसे? बोला गुरुजी घर द्वार बाल बच्चे हम भी जैसे मकान बना रहे हैं उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं, आप भी माया में फंस गए। बोला नाना तेरे और मेरे कर्म में बहुत अंतर है, तू तो जो कुछ कर रहा है वो मोहवश कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, मैं जो कर रहा हूं ये परमार्थ वर्ष है, ये माया है दो बांध की, जो कर जाने कोय एक मिलावे पीर से एक नर्क ले जाए। छोटा उदाहरण देता हूं, यूक्रेन से काफी लोग आते हैं, रसिया से, हर जगह से आते हैं, वहां लिविंग स्टैंडर्ड टॉप है, यहां तो हम एक ही कमरे में सब सो जाते हैं, वहां नहीं है, यहाँ एक टॉयलेट सब इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का अलग है, बच्चों का कमरा सोने का अलग है, सब अच्छी व्यवस्था है, तौलिया कोई किसी का नहीं यूज करेगा। तो यहाँ थोड़ा उनको दिक्कत हुई, वो बेचारे जम्मू में होटल बुक करके आते थे, वहीं से एयरपोर्ट से यहाँ आने तक उनको 10,000 रुपये गाड़ी किराया ले लेती थी, मैंने बसें खरीदी, इस प्रकार उनके लिए उसी स्टाइल के रूम बनाए, अब वो अधिक आने लगे ताकि इनको परेशानी नहीं हो। और अभी भी हमारे आश्रम में जो कहीं से भी देश के कोने से आता है, मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर गाड़ी भेजता हूँ उसके लिए, और गाड़ी भेजने में 500 रुपये खर्चा आता है, नहीं तो वो बेचारा जब आएगा 3 गाड़ियाँ बदलेगा, वो परेशान हो जाएगा। तो ये सेवा है, मैं कहा भाई तेरे और मेरे काम में दिन रात का अंतर है, तुम्हारा काम है स्वार्थ और ममता का, मेरा काम है परमार्थ का, जैसे आए खसम की वाणी तैसे बजाऊं सुनो बोला लो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सर।